So this is the final result of my deep cleansing. It's so essential and so amazing and very beautiful effects. I know many questions I'm going to encounter about this Upton. कि Upton क्या है, इसकी recipe क्या है. Recipe मैं बार बार कहती हूँ, मैं share करूँगी दो चीज़ों की recipe. बहुत लोग पूछ भी रहे हैं और मैं थोड़ा पेंडिंग में जा रहा है, एक मेरे मेहंदी की और एक मेरे Upton की. अच्छा मैं वैसे बता दूँ फिंगर टिप्स पे ना, कि इस Upton में मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं, जिसमें से चावल का आटा है और मसूर की दाल का आटा है, संदल है, लिक्रिश है जिसको हम मलेठी भी कहते हैं, गुलाब की पत्तियों का पाउडर है, मुझे याद नहीं आ रहा, ऑरेंज पील है, और मैं लिख के लेके जाती हूँ ना सारी चीज़ें लेके जाती हूँ, हाँ चावल का आटा, मकई का आटा भी है इसमें, मकई का आटा, चावल का आटा, थोड़ा सा बेसन, गुलाब की पत्तियों का पाउडर, ऑरेंज पील का पाउडर, मलेठी और संदल पाउडर, और सबसे बेस्ट जिसकी वजह से येलो लग रहा है ना, आंबा हल्दी, जो प्योर हल्दी होती है, इसको आंबा हल्दी कहते हैं. एक कस्तूरी हल्दी होती है, एक आंबा हल्दी होती है, और एक किचन की हल्दी होती है. ये किचन वाली नहीं है, वो जो बड़े साइज़ की हल्दी होती है, उसको मैं सामने पिसवा के और वो फिर मिक्स करके, आई थिंक थोड़ी सी चीज़ें और भी हैं जो मुझे भूल रही हैं. तो फिर वो मैंने बहुत बड़ा जार बना के रखा हुआ, वो जो नज़र आ रहा है ना पर्पल ढकने वाला, इससे बड़े बड़े जार किचन में रखे हुए फुल बॉडी के लिए हैं. तो इसमें मैंने सिर्फ अभी एक चीज़ डाली है, वो है असली घी. इतना बड़ा चमचा भर के डाली, इतना बड़ा बोल बनाया था उसमें, इतना बड़ा चमचा भर के असली घी डाला है, और उसी से ये जो शाइन आई है ना उसी से उतरा है. तो वैसे इसमें चमेली डालती हूँ, चमेली का तेल डालती हूँ, दूध डालती हूँ, क्रीम डालती हूँ, कभी कभी गाजर भी ना, कैरेट कद्दूकश करके वो भी डालती हूँ. तो अभी तो मैंने सिंपल इसमें क्या कहते हैं असली घी डाला है, दैट्स इट. और वो गुलाब का अरक नहीं था, पानी डाला है, अदरवाइज गुलाब का अरक डालती हूँ. बट अभी भी इसमें इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं कि इसने अपना काम किया है. तो ये मेरा मेन आइटम था जो मैंने यूज़ किया, और सबसे एंड में यूज़ किया था कि इसके बाद मैं कोई साबुन या कोई चीज़ ना लगाऊँ, क्योंकि थर्ड लेयर तक जाता है. और उसके बाद मैंने सिंपल अपने पोर्स को बंद कर दिया सिंपल मड मास्क से, और उसके बाद मैंने ये लगा लिया. लेकिन स्टार्टिंग में मैंने फेस वॉश कर लिया था अच्छे से, जो डर्ट वर्ट थी ना वो मैंने सेंटाइव से फेस वॉश कर लिया था, और बीच में मैंने थोड़ा सा पोर्स को ओपन करने के लिए ये मसाज क्रीम यूज़ की है, विटामिन ई क्रीम्स फ्रॉम सॉफ्ट टच. तो ये मेरा डीप क्लेंजिंग का है, इसकी वीडियो जल्दी शेयर करती हूँ. और सो या दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज डीप क्लेंजिंग. ये बहुत ज़रूरी है अगर आप मेकअप बहुत ज़्यादा करते हैं तो. Upton को मैंने यहाँ भी यूज़ किया क्योंकि कोई केमिकल वाली चीज़ें नहीं थी ना, तो मैंने यहाँ भी यूज़ किया Upton को. तो